छतरपुर में साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए नए नए पैंतरे आजमा रहे हैं। साइबर पुलिस को पिछले कुछ समय से ठगों के नए पैटर्न की शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें साइबर ठग आम नागरिकों को किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी संस्था के वरिष्ठ अधिकारी के नाम से कॉल करते हैं या व्हाट्सएप कॉल करके बड़े पैमाने पर ठगी कर रहे हैं। छतरपुर में व्यापारियों के पास साइबर ठगों के फोन आ रहे हैं। साइबर ठग सीबीआई अधिकारी बनकर व्यापारियों को धमका रहे हैं। मामला निपटाने के नाम पर व्यापारियों से मोटी रकम मांगी जा रही है। रकम न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी अपराधी दे रहे हैं। अब तक 3 व्यापारियों के पास इस तरह के फोन आने की चर्चा है। शिकायत मिलने के बाद एसपी ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है और लोगों से इस तरह के ठगों से बचकर रहने और पुलिस को शिकायत करने के लिए कहा गया है। इसमें मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर अधिकारी बनकर के फोन लगाता है और डराता है, धमकाता है और किसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग करता है, पैसे की डिमांड करता है, तो आप ये मान करके चलें कि वो निश्चित रूप से फेक है और ठगी हो रही है। और मेरी सभी से यही अपील है कि कोई भी इस प्रकार के छलावे में ना फंसे। ध्यान रखें कि कोई भी इस प्रकार से फ़ोन लगाता है तो तत्काल हमें सूचित करें। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से पैसे की डिमांड नहीं कर सकता है, करता है तो ठगी ही हो रही है। और सभी बच करके रहें। कहीं भी कोई इस प्रकार से व्यक्ति फ़ोन लगाता है तो आप हमारी साइबर सेल की टीम को अवश्य अवगत कराएँ, हमारी टीम कार्रवाई करेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।